के लिए। तो जैसा कि अनुराग ने जानकारी दी, शिमला में सांप्रदायिक तनाव के बीच सद्भावना मार्च निकाला गया भाईचारा का संदेश देने के लिए। सड़कों पर लोग उतरे, मुस्लिम संगठनों के साथ कई वर्ग के लोग शामिल हुए। संजौली मस्जिद विवाद के बीच अमन की अपील की गई है। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने लोगों ने प्रतिज्ञा ली। तो एक तरफ आज बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि सद्भावना मार्च जो है वो निकाला गया है। तमाम जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं वो इस सद्भावना मार्च में शामिल हुए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जिस तरीके से संजौली का पूरा विवाद हुआ, ऐसे में अमन और शांति की अपील करते हुए ये तमाम लोग इस सद्भावना मार्च में नजर आए। और राज्य सरकार की भी यही अपील है कि शांति के साथ किसी भी समस्या का समाधान जो है वो निकालने की कोशिश की जाए और कोई भी संगठन जो है वो उग्र होकर प्रदर्शन ना करे। सबको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन एक शांतिपूर्ण माहौल में जो है वो प्रदर्शन होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से शिमला में जो तस्वीरें एक हफ्ते पहले नजर आई थी, जहां संजौली में विवाद मस्जिद को लेकर गरमाया और उसके बाद पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और साथ ही साथ लाठीचार्ज की गई, और ऐसे में जो स्थिति है वो शिमला और आसपास के तमाम इलाकों में और हिमाचल के अधिकांश जिलों में गंभीर नजर आई। और ऐसे में आपको बता दूं सद्भावना मार्च जो है वो निकाले गए, जिसमें अलग अलग धर्मों के लोग इकट्ठा हुए, अलग अलग वर्गों के लोग इकट्ठा हुए और सभी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रतिज्ञा ली कि वो सभी जो हैं मिलजुल कर शांति भाईचारे के साथ रहेंगे। उड़ीसा से बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां उड़ीसा में सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बवाल मच गया है। आपको बता दें कि भद्रक में दो समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई है। उपद्रवियों ने पुलिस टीम को निशाना बनाया था और तनाव के बाद पूरे इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। गंभीर स्थिति को देखते हुए सुरक्षा बल मौके पर तैनात हैं। तो उड़ीसा से ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, जहां सोशल मीडिया पोस्ट के बाद जमकर बवाल मचा और भद्रक में दो समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। पुलिस पूरे इलाके में तैनात कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की टीम निगरानी रख रही है। ड्रोन के साथ पूरे इलाके को एक किले के तौर पर पुलिस ने तब्दील कर दिया है, ताकि दोबारा शांति व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना कर पाए। हालांकि उपद्रवियों ने पुलिस की टीम पर भी हमला किया और अब इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। इस धारा के तहत एक से अधिक लोग जो है, चार अधिकतम संख्या है, एक साथ एक जगह पर खड़े नहीं रह सकते, उपस्थित नहीं कर सकते, रह सकते किसी भी प्रकार की जुलूस, कोई भी मीटिंग करने की मनाही होती है जिस इलाके में धारा 163 लगी होती है। तो बड़ी खबर उड़ीसा से, जहां सोशल मीडिया पोस्ट के बाद जो है वो बवाल मचता हुआ नजर आया। स्थिति हालांकि इस वक्त आपको बता दूं कि पुलिस के नियंत्रण में है और पुलिस के तमाम आला अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और लगातार पूरी स्थिति पर वो निगरानी बनाए हुए हैं। तो भद्रक में दो समुदाय के बीच जमकर पत्थर चले और ये बड़ी खबर सामने आ रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ इलाके में तनाव के बाद धारा 163 जो है वो लगा दी गई है।